हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज हम देखने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्हों के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आपका एग्ज़ाम किसी भी कोई डी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, या भी कोई भी अपर लेवल का आपका एग्ज़ाम हो, UPSC हो, CTET हो, कोई भी स्टेट टेट हो, आपकी सभी एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हिंदी सभी में आती है, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में इस चीज़ को ऐड करती हूँ, हिंदी आपके हर एग्ज़ाम्स में आती है और हिंदी में ग्रामर पोर्शन आता है। तो उसके नज़रिए से अगर आप देखें तो हिंदी का जो टॉपिक है वो आपके लिए, किसी भी कोई भी टॉपिक हो, सभी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। तो इसमें विराम चिन्ह हम देखेंगे क्यों इसमें से, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन तो आपका बनता ही बनता है। किसी भी चिन्ह से रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो चिन्ह है ये क्या है, इसका नाम क्या है, या फिर आपको नाम दे दिया जाता है, जैसे कि पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का कौन सा चिन्ह है आपको ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए देखते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम जब हम हिंदी में कोई भी कहानी या एक पूरा सेंटेंस लिखते हैं तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे कथन होते हैं उसको रोकने के लिए, यानी कि अब हमने क्या कर दिया, हमने विराम लगा दिया, अब इससे आगे हम कुछ नहीं बताने वाले हैं। तो पूर्ण विराम बोला जाता है इसको, ये होता है आपका पूर्ण विराम, यानी कि इसके बाद अब आगे क्या है, आपका खत्म है टॉपिक, ये आपका पूर्ण विराम लग गया। इसके बाद है आपका अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है, अर्धविराम आपका है ये डॉट और डॉट के साथ नीचे कॉमा, डॉट के साथ कॉमा होता है आपका अर्धविराम। अल्पविराम क्या होता है, अल्पविराम होता है कॉमा, ये होता है आपका अल्पविराम, जिसको हम कॉमा बोलते हैं, ये अल्पविराम होता है, कॉमा को अल्पविराम होता बोला जाता है। और आपका अपूर्ण विराम कहलाता है जो जब हमने कुछ भी लिखा और उसके बाद हमने दो बिंदी लगा दी, यानी कि क्या है, ये अपूर्ण विराम है, अभी हमारा जो कथन है वो शेष है, हमें और अपनी बात को आगे कहने के लिए उसके बाद हम और लाइन आगे ऐड कर सकते हैं, यानी कि अभी पूर्ण विराम नहीं लगा है, ये अभी क्या है, अपूर्ण विराम है। इसके बाद है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये होता है जो कि हमने आपके पढ़ा भी था, जैसे कि माता पिता, यानी कि योजक चिन्ह क्या होता है, जोड़ने के काम आता है शब्दों को आपस में। तो ये क्या होता है आपका, योजक चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है, ये आपके चिन्ह हैं। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह क्या करता है, जो निर्देश दिए जाते हैं उसके लिए होता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या, ये तो योजक चिन्ह हो गया आपका छोटा डैश, निर्देशक चिन्ह होता है एक बड़ा डैश, यानी कि इस तरह से हम फिर अपना कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं आगे, वो क्या होता है हमारा निर्देशक चिन्ह होता है, यानी कि निर्देश देने के लिए कोई भी एक लंबा डैश लगा दिया और उसके बाद अपना लिखना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद है आपका उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, जो कॉमाज होते हैं, सिंगल कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा जो होता है हमारा, वो होते हैं हमारे उद्धरण चिन्ह, यानी कि सिंगल कॉमा या फिर डबल कॉमा, ये हमारे किस में आते हैं, ये सभी दोनों ही उद्धरण चिन्ह में आते हैं। उसके बाद होता है आपका त्रुटि बोधक चिन्ह। त्रुटि बोधक चिन्ह, त्रुटि बोधक होता है, त्रुटि मतलब हमसे कोई गलती हुई, उस गलती को सुधारने के लिए हमें कुछ करना है, तो चिन्ह का मतलब वहां पे वो है कि हमारा कोई सेंटेंस है, जैसे मैंने लिखा कि आज जाना है, अब यहां पे मुझसे क्या रह गया, मैं यहां पे कुछ भी मुझे लिखना है, बीच में मेरे यहां पे कोई एक शब्द रह गया, मुझे लिखना था यहां पे आज बाजार जाना है या आज स्कूल जाना है, तो इस जगह रह गया, तो मैं क्या करूंगी, अपने इस सेंटेंस को सही करने के लिए त्रुटि के रूप में यहाँ पे क्या लगा दूंगी, एक त्रुटि बोधक चिन्ह लगा दूंगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरे इस सेंटेंस की त्रुटि को ये चिन्ह जो है ये सुधार करेगा इसमें, तो आज बाजार, तो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो उसको पढ़ा जाएगा आज त्रुटि बोधक चिन्ह लगाया है, तो यानी कि इसके बीच में आज बाजार जाना है, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा, तो त्रुटि बोधक चिन्ह कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है। त्रुटि बोधक चिन्ह को हंस पद भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, कोष्टक जो हमारे कोष्टक लगाए जाते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक कोष्टक ये वाला भी होता है, एक कोष्टक ये वाला भी होता है, एक कोष्टक ये भी होता है,
ठीक है, ये आपके कोष्टक चिन्ह होते हैं। उसके बाद है विस्मयादि, यानी कि जब कोई भी अपने भाव को प्रदर्शित करने करते हैं, जैसे कि अरे हे रे पर, ये उनमें जो आपका आता है विस्मयादि, यानी कि जो हमारे एक्सप्रेशन से भी शो होते हैं, वैसे जो भाव होते हैं उनके लिए विस्मयादि चिन्ह लगाया जाता है, जो कि ये होता है, ये आपका विस्मयादि चिन्ह है। उसके बाद है आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। लाघव चिन्ह है जैसे कि ये जो हम इस तरह से लगाते हैं सर्कल, जो डॉट जैसा लगता है, ठीक है, इसको हम ज्यादातर जब लगाते हैं तो हम जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं किसी चीज की, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं डॉक्टर का पूरा डॉक्टर तो हम नहीं लिखते, तो हम इस तरह से लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, ये लाघव चिन्ह होता है। ऐसे ही हमने कुछ भी लिखा, जैसे कि हमने प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ना लिख के हम लिख देते हैं पी, फिर हम इसको लगा देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लिख देते हैं एम, तो इस तरीके से लगा दिया जाता है। तो ये जो डॉट होती है जो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है फुल फॉर्म को, ये हमारी लाघव चिन्ह कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है आपका रेखांकित। रेखांकित का मतलब आपको पता ही है कि एक रेखा होती है, रेखांकित मतलब एक रेखा, लेकिन इसके जो सिरे होते हैं ये थोड़ा ऊपर की साइड होते हैं, ये आपके रेखांकित चिन्ह कहलाता है। लोप क्या होता है, लोप चिन्ह, इसे हम क्या कहते हैं, इसको लोप चिन्ह को रिक्त चिन्ह भी कहा जाता है। लोप चिन्ह यानी कि डैश 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 डैश, ये होता है आपका लोप चिन्ह, जिसे रिक्त चिन्ह भी कहा जाता है। इसके बाद है आपका समतुल्य। समतुल्य मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, समतुल्य मतलब समान, एक जैसी चीज, जिसे हम इक्वल टू भी बोलते हैं, समान, ये होते हैं ना आपके समान, यही होता है समान का चिन्ह, क्योंकि आपका ये यूज किया जाता है बहुत सी जगहों पर, हम इसे यूज करते हैं, जैसे कि ये इसके समान है, और मैथ में भी होता है जो ग्रेटर देन लेस देन, उसमें इक्वल टू आता है, तो इज इक्वल टू के लिए हम इसको करते हैं कि इक्वल है कोई भी चीज, तो उसके लिए समतुल्य ये चिन्ह होता है, जो दो बराबरी लाइनें होती हैं वो हमारी समतुल्य चिन्ह में आती हैं। अब है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है, विवरण चिन्ह यानी कि किसी भी चीज का विवरण देना, जिसे हम व्याख्यात्मक चिन्ह भी कहते हैं। किसी भी हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे विराम चिन्ह हमने लिखा और हमने इसके आगे क्या कर दिया, दो डॉट लगाया और ऐसे डैश कर दिया, यानी कि इसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी एक टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे उसकी व्याख्या करना शुरू करेंगे, जिसे हम व्याख्यात्मक या विवरण चिन्ह भी कहते हैं। संकेतवाचक। संकेतवाचक यानी कि किसी भी चीज की तरफ संकेत करना। संकेत क्या होता है, एरो। एरो से ही तो हम संकेत करते हैं कि ये उसकी तरफ या इधर या उधर, वो हमारा संकेतवाचक चिन्ह होता है। इतिश्री चिन्ह क्या होते हैं, इतिश्री चिन्ह होते हैं बड़ा वाला डैश, जिसे कि हम निर्देशक चिन्ह बोलते हैं, डैश डॉट डॉट और फिर से बड़ा वाला डैश, ये होता है आपका इतिश्री चिन्ह। तो ये थे आपके चिन्हों के नाम और उनके चिन्ह। तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं कि इस चिन्ह का नाम क्या है, या इस नाम के लिए इसका चिन्ह का साइन क्या है, वो आपको बनाना है, वो आपको को पेपर में बताना होगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो आपका यहाँ से पक्का है आज के इस वीडियो में से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।